नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी समूह में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली भाजपा को नए अध्यक्ष मिल गए हैं आदेश गुप्ता जी के रूप में, और अब सांसद मनोज तिवारी जी दिल्ली के सांसद हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं। हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष भाई, आपसे तो कई बार बातचीत होती रहती है मेरे 3.5 साल के कार्यकाल में, जो कि 3 साल से 6 महीना ज्यादा चला गया जी। उसमें आपका और आपके पंजाब केसरी समूह का भी बहुत योगदान मिला है। उसके लिए मैं आपके समूह का और आपके समूह के पाठकों का, दर्शकों का बहुत आभारी हूँ। मनोज जी, 2016 से 2020 तक आपने भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को चलाया। इस दौरान आपने जो है नगर निगम का चुनाव जीता, लोकसभा की 7 सीटें जीती। कैसे अनुभव रहे इस दौरान? सच बताएं आशुतोष भाई, तो मैं इतनी जल्दी इतने बड़े महत्वपूर्ण पद पे आऊंगा ऐसा हमने 2014 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, या 2013 में जब हमने पार्टी ज्वाइन की थी, या 2012 में जब हमने नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन किया था एक कलाकार के रूप में, तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रदेश का अध्यक्ष कोई सेलिब्रिटी बना हो, ये भी मेरे रूप में पहली बार हुआ। और जो हमें सीखने को मिला है वो हमें कोई स्कूल नहीं सिखा सकता था, और खास तौर से जो दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में मैं नया भी था, लेकिन जो दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने जो मुझे स्नेह प्यार दिया है वो तो मैं नहीं भूल पाऊंगा। और हालांकि मैं दिल्ली का एक सांसद हूं तो मेरी सेवाएं तो लगातार चल ही रही हैं, और भी पहले से ज्यादा बढ़ा दूंगा। और हमारे जो नए अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, वो उनको और उनके नेतृत्व में प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है उसका पूरा कार्य करूंगा। लेकिन इस 3.5 साल में, चूंकि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमित शाह जी के साथ काम किया, और वो बहुत कुछ सिखाने वाला समय था। हमने पीछे जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी बने हैं, तब से उनके साथ भी कुछ समय हमारा गुजरा, और कुल मिला करके नरेंद्र मोदी काल में एक प्रदेश का अध्यक्ष होना, मैं समझता हूं अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत बड़ा सीख है, जिसका मैं आगे अपने भारतीय जनता पार्टी के और देश और दिल्ली के सेवा में उसका उपयोग करूंगा। तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए हमने, आपको मैं बताऊं कि हमने 4 राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमने करवाई। एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ जी जी। एक आपको याद होगा रामलीला मैदान में हमने एक महाधिवेशन भी, लगभग 15,000 लोग कार्यकर्ताओं का महाअधिवेशन भी, वो हमें उसको होस्ट करने का सौभाग्य मिला। तो बहुत कुछ सीखा हूं, और खासतौर से जो दिल्ली के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का जो प्यार मिला है वो तो कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं कई मायने में नया भी था, और दिल्ली के कार्यकर्ता इतने अच्छे हैं कि उन्होंने एकदम से हाथों हाथ उठाया हमें। हमने भी अपनी पूरी क्षमता से कोशिश की कि सबके साथ अच्छे व्यवहार में रहूं, उनके साथ सामान्य रूप से उनको, उनका आदर करूं। तो अब कितना सफल हो पाया ये तो हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता ही बता पाएंगे, लेकिन अब हमें उन्हीं सारी सीख के आधार पे अपने नए अध्यक्ष प्रदेश के आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में प्रदेश को हमें आगे बढ़ाना है। अच्छा मनोज जी, जैसा कि दिल्ली भाजपा में रहते हुए आपने 3.5 साल से ज्यादा समय बिता दिया, और दिल्ली भाजपा में तरह तरह की बातें भी होती हैं,
उनके नेताओं में आपस में भी कुछ गुट बने हुए हैं, तो क्या गुटबाजी कहीं आपको परेशान की? देखिए, अब तो हम पद से हट चुके हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि जैसी मीडिया में खबरें आती हैं वैसा सच्चाई नहीं जी। पार्टी जो निर्णय लेती है उस पे पूरे कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, हमारे सभी वरिष्ठ लोग उस पे काम करते हैं। अब रही बात एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की आगे जाने की, तो किसमें नहीं होता है, लेकिन उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में हमने कभी ऐसा नहीं महसूस किया कि कोई हमें नीचा दिखाना चाहता हो या हमने जो आदेश किया हो उसको नहीं माना हो, ये ऐसा नहीं देखा गया। इसलिए मैं, जो मीडिया में बहुत सारी न्यूज आती हैं वो तो बस समझिए कि लोगों के मजे के लिए ठीक है, सच्चाई ऐसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब भी डिसाइड कर लेती है तो उसको करने के लिए हर कार्यकर्ता उतना ही मेहनत करता है। अच्छा मनोज जी, मूलतः आप भोजपुरी हैं, भोजपुरी स्टार हैं, स्टारडम आपके संग जुड़ा हुआ है, और उसके बाद आप दिल्ली में आए यहाँ पर, हालांकि पहले भी आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन दिल्ली में आए, यहाँ चुनाव लड़े, यहाँ सांसद बन गए और राजनीति से आपका नाता जुड़ गया पूरी तरीके से। अभिनय, गायन और इस फिल्म की दुनिया से निकल के आप राजनीतिक दुनिया में आ गए। आज की डेट में आपको क्या लगता है, अब तो आपका सेकेंड टर्म भी चल रहा है सांसद का, क्या राजनीति और अभिनय के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में क्या अंतर पाते हैं? बहुत बड़ा अंतर है आशुतोष भाई। जो कला का क्षेत्र है वो अपना स्वतंत्र क्षेत्र है, राजनीति में वो भी नरेंद्र मोदी जी के काल में काम करना, ये एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। और नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता के साथ काम करना कोई, वो बहुत टेढ़ी खीर है। वो जितना मेहनत करेंगे उसका 10% भी तो आपको करना पड़ेगा तब आप टिक पाएंगे जी। तो पता चला 6 महीना में हटा दिए गए। और जिस ईमानदारी के साथ वो चल रहे हैं वो आपको भी करके देना है। जिस प्रतिबद्धता के साथ वो बढ़ रहे हैं उसका 10% भी तो आपको देना पड़ेगा, वरना आप स्वतः ही सिस्टम से आउट हो जाएंगे, लोग कार्यकाल नहीं पूरा कर सकते। मैं ये बात बड़ी ठीक से आपको बोल रहा हूं, हमने ये महसूस किया है, क्योंकि पहले जब सांसद की ही बात करिए तो पहले सांसद होते थे वो समझते थे सांसद बन गए तो राजा बन गए, अब सांसद बनना मतलब सेवक बनना, नौकर बनना। तो इस समय जो नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करते हुए जो हम लोग की परिस्थिति है वो जनता सर्वोपरि, अगर उसके ऊपर कुछ है तो देश है, उसके बाद पार्टी है, उसके सबसे लास्ट में हम हैं। तो जो अपने परिवार के लिए राजनीति में आते थे, अपने आर्थिक प्रगति के लिए जो लोग राजनीति में आते थे, उसका नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी में तो पूरी तरह से खात्मा कर दिया है। मुझे नहीं पता पहले कैसे चलता था, क्या होता था, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का हमने परिचय पाया है वो सच में समाज सेवा है, देश सेवा है। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी काल में काम करना भी एक बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन अगर हम कलाकार होते हैं तो कलाकार में तो जब जागेंगे तभी सवेरा, यहाँ जागने में देर हो गई तो आपका पत्ता कट सकता है। अच्छा अच्छा, बहुत अंतर है। मनोज जी, राजनीति भी आपने बढ़िया कर ली है, दिल्ली जैसे प्रदेश को भी आपने चला लिया है, और स्टारडम तो है ही आप व्यक्तिगत रूप से खुद को क्या मानते हैं, राजनेता, अभिनेता या गायक? नहीं देखिए, अब तो मैं राजनेता शब्द ही भारतीय जनता पार्टी से गायब है। ठीक है, राजनेता कुछ नहीं है, यहाँ सब सेवक है, सबसे बड़ा प्रधान सेवक है। ये राजनेता तो कोई कहता ही नहीं है बीजेपी में, ये कांग्रेस में होगा, आम आदमी पार्टी में होगा। आशुतोष भाई,
राज राजनेता ये सब गायब हो चुका है। अब तो हम लोग सेवक हैं, हमारे प्रधान सेवक हैं, और मैं समझता हूं कि हाँ, हम एक बात जरूर कहेंगे कि हम सेवक है, समाज सेवा है, अपनी कला है, गायक है। नो डाउट मैं अपने गाने से ही यहां तक आया हूं आशुतोष भाई जी। जी, मेरे संगीत ने हमें यहां तक पहुंचाया है, लेकिन इस समय हम लोग हमारी पूरी पहचान नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके पूरी टीम के एक सेवक के रूप में है, और मैं अपने संगीत से भी वही सेवा करना चाहता हूं, कर ही रहा हूं, आपने देख ही लिया है। जी जी। अच्छा मनोज जी, अभी आपने कहा कि आप संगीत और गायन से ही यहां तक आए हैं, अपनी पहचान के उसी पहचान के दम पर यहां तक पहुंचे, तो आज एक बड़ा पद से आप बड़े पद से आप थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी मुझे कहते हैं वे ये हिचक नहीं हो रही है कि वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन जैसा आप बताया कि और भी सक्रियता आप सांसद होने के नाते बढ़ा देंगे, लेकिन फिर भी एक पद था जो अब नहीं है, ऐसे में दिमाग में कौन सी लाइनें गुनगुनाते हैं आप, कौन सी लाइनें आपके मन में आ रही हैं? दरअसल मैं 3.5 साल इतना डूब के काम किया हूं कि आज मुझे बहुत थोड़ा हल्कापन लग रहा है। जी जी, मैंने टी शर्ट विशर्ट भी थोड़ा सा पुरानी निकाली है। मैंने ठीक, मैं आपको सच बताऊं आशुतोष भाई, तो मैं दिल से बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं, और मैंने माँ को समय नहीं दिया है, मैंने अपनी बेटी को समय नहीं दिया है, मेरा गांव तो बिल्कुल हमसे छूट गया, जिस गांव की मिट्टी में हम पैदा हुए उसके प्रति भी हमारी जवाबदेही है। लेकिन इस पूरे 3.5 साल में ना, जैसे ही मैं दिल्ली से बाहर जाता था अचानक कुछ न कुछ हो जाता था। तो अब जो आप कह रहे हैं ना कि इस पद से हटना या कम होना, ये कम होना नहीं है, हमें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, हमने पूरी ईमानदारी से अपनी क्षमता भरोस को निर्वाह करने की कोशिश की, और अब जो उसको जिम्मेदारी निभा रहा है उसके सिपाही के रूप में पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। जी जी जी। अच्छा जैसा कि आज एक खबर आई कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर आदेश गुप्ता जी की नियुक्ति हो गई है, तो जगह जगह मनोज जी खबर ऐसी चली कि मनोज तिवारी को हटा दिया है, उनकी छुट्टी हो गई, सुन के कैसा लगा था आपको? ऐसा है कि ये तो चूंकि डिसीजन ही हम लोगों का था, हम लोग तो 2 दिन पहले ही ये सब निर्णय कर लिए थे, तो हमको तो सब पता ही था हमें आज पीसी के बाद ये घोषित करना है जी। तो इसमें तो सच्चाई है ना कि पद से हटा तभी तो दूसरा आएगा। अब ये सबको देखिए, ये कभी भी ना आपके आप एक अखबार में है, कल आप अखबार से किसी और पद पे जाते हैं तो कुछ लोग उसका मजा भी लेंगे, कुछ लोग दुखी भी होंगे, तो मजा लेने वालों की संख्या कम है, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता जिन्होंने हमारे साथ बहुत स्नेह जोड़ लिया है, उन लोगों का बड़ा दुख हो के फोन भी आया, लेकिन मैं उनको समझाता रहा, मैं घर पे बैठा रहा, और जब मैं हमने निश्चित किया था कि जब ये न्यूज आएगी तब मुझे प्रदेश कार्यालय में ही बैठना है, मैं वहीं बैठा था, तो ये सब कुछ हमारे लिए तो हम ही लोगों का लिया हुआ डिसीजन है, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से डिसीजन आ गया, हमने अपना कार्यकाल पूरा किया, 6 महीना हमें दूसरे अध्यक्ष को चुनने में लगा, अब हमने दूसरा अध्यक्ष चुन लिया है, इस तरह से हम इसको लेते हैं। ठीक है। अच्छा एक बीच अभी खबर भी आई थी कि कोरोना का संकट चल रहा है दिल्ली में और आप क्रिकेट खेलने चले गए थे। हाँ तो मैं खेलता ही हूँ, खेलने गया ही था जी, और मैं दुनिया को बोलना चाहता हूँ खेला करो, कोरोना जैसे संकट से लड़ पाओगे। बिल्कुल ठीक है। दुनिया कैसे इसको लेती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर 6 दिन काम करता हूँ तो 1 दिन क्या हमें अपने स्वस्थ रहने का अधिकार नहीं है? विपक्ष ने हम अगर मजबूत नहीं रहेंगे तो हम फिर काम कैसे करेंगे?
मुझे इस बात का गर्व है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूं, मैं स्पोर्ट्स का शिक्षक हूं, और मैं सबको कहता हूं कि आप सप्ताह में एक दिन नहीं खेलोगे तो कोरोना जैसे संकट में जल्दी मर जाओगे। विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया था उसको ये संदेश है, एक्चुअली हमें मारना चाहते हैं कि मनोज तिवारी का इम्यून खराब हो, वो भी कोरोना में बहुत घूम रहा है गली गली, मर जाए। तो मुझे, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, भैया काम बैल की तरह करो, लेकिन एक दिन जरूर सप्ताह में खेलो, वरना फिर कोई आपका साथ नहीं दे पाएगा, स्वास्थ्य नहीं रहेगा। मनोज जी, अब क्या इच्छा है आपकी, लक्ष्य क्या है आपका? हमारा लक्ष्य भारत की सर्वोच्च शिखर पे उपस्थिति है। हमारा लक्ष्य भारत में छुपे हुए भारत विरोधियों को, उनके उनके उनकी आवाज को कम करना है। हमारा लक्ष्य नरेंद्र मोदी जैसे शिखर पुरुष, ईमानदार, भारत माता के एक लाल के साथ भारत को पूरे दुनिया के सर्वोच्च शिखर पे बिठाना, आतंकवाद से मुक्त करना और देश में रह रहे देश विरोधियों से देश को निजात दिलाना है। ये हमारा, ये सब घुस चुका है आशुतोष भाई। मैं अब, मेरी शिक्षा जो 3.5 साल की हुई है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, उसने मुझे हर पल देश के लिए सोचना सिखा दिया है भैया। बहुत आर्थिक रूप से तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ ना। मैं सोचिए पिछले समय में, अब ये लोग जो बातें करते हैं उनको याद ही नहीं रहता, उनको पता है कि मनोज तिवारी कौन है। हम लोग जहां करोड़ों रुपया कमाते थे, अब अपने पैसे से लगाते हैं, वेतन चला गया, फंड चला गया, एमपीलेड फंड, उसके बाद भी 54,000 लोगों को खाना मैं पहले नहीं सोच सकता था, लेकिन पता नहीं कौन शक्ति करा दी। अब इस लॉकडाउन में तो दुनिया बदल चुकी है। तो मैं समझता हूं अब हमारा लक्ष्य सिर्फ कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, और भारतीय जनता पार्टी की ये नीति देश का बच्चा बच्चा समझ रहा है, और भारत को आत्मनिर्भर बनाना, इस उस अभियान का एक सिपाही हूं, यही मेरा लक्ष्य है। अच्छा मनोज जी, जैसे ही ये खबर आई कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के आप आदेश गुप्ता को बना दिया गया, वैसे ही एक चर्चा और शुरू हो गई कि अब आपको केंद्र की सरकार में शामिल किया जाएगा, क्या कहेंगे इसके? अब वो तो पार्टी का निर्णय है, लेकिन अब ये हमें नहीं पता है। हमें ये पता था कि हमारा भाई आदेश गुप्ता नए अध्यक्ष बन रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी को लेके पार्टी क्या सोच रही है ये तो हमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। जब मुझे इतनी जल्दी अध्यक्ष बना दिया तब नहीं सोचा, तो मैं आगे इसको लेके क्यों सोचूं? मैं तो शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी का, अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का, गडकरी जी का, अपने नड्डा जी का, इन सब लोगों का हम जितना शुक्रिया करें कम है। आगे जो होगा सब अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा मनोज जी, नए अध्यक्ष बने हैं आदेश गुप्ता जी, आपने 3.5 साल तक संगठन को चलाया और कई चुनाव देखे, कुछ मन की बात हो जो आप आदेश गुप्ता जी को कहना चाह रहे हो? देखिए, आदेश जी को हमारे ही टर्न में हमने उनको टिकट देके पार्षद बनाया और फिर हमने उनको मेयर भी बनाया। आदेश एक बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति हैं और आदेश ने अपने मेयर काल को भी बहुत अच्छे से निभाया है। सबको जोड़ करके चलने वाले हैं और अब जब वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं तो वो हालांकि पार्टी के रूप में हमसे बहुत पहले से उस युवा मोर्चा में काम कर रखे हैं, तो हम उनको बस यही कहेंगे कि आदेश जी, आपका जो आदेश होगा, मनोज तिवारी दिल्ली प्रदेश के एक कार्यकर्ता के रूप में उसको पूरा करेगा और हम एक ऐसा अभियान शुरू करेंगे कि आज से अगला जितना चुनाव आए वो सब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीते,
ठीक है। अच्छा, कोरोना को लेकर जिस तरीके से पूरी दुनिया का एक हाल है और संकट छाया हुआ है, ऐसे में मनोज जी आपको कोरोना के इस पूरी महामारी को लेकर क्या लगता है कि चीजें कैसे नियंत्रित हो नियंत्रण में आएंगी या कैसे चीजें सुधर पाएंगी, क्या लगता है इसको लेकर? देखिए आशुतोष भाई, ये तो तय है कि हमें कोरोना से भी बचना है और अर्थव्यवस्था को भी बचाना है। बहुत सारी ढील दी गई है, अनलॉक हो रहा है देश। ये बात अलग है कि जब अनलॉक हो रहा है देश तब दिल्ली का बॉर्डर सील हो रहा है, तो एक अलग दुख है। लेकिन लॉकडाउन में ढील जरूर हो रहा है, कोरोना हमको ढील नहीं दे रहा है। ठीक है, हमें सतर्क रहना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बाहर निकलने पे हमें मास्क लगाना है। ये सारी चीजों का जितना भी सतर्कता है हमें पहले से बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि कोरोना का संकट हमारे सर पे बना हुआ है और इसका सबसे बड़ा इलाज सतर्कता है जो हमें करनी है। मनोज जी, आपने बहुत वक्त दिया हमें, पंजाब कृषि समूह को अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू आशुतोष भाई, नवोदय पंजाब केसरी पूरे समूह को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इतना डिटेल में पहली बार किसी से बात किया हुआ। ठीक है जी, नमस्कार।